हाय फ्रेंड, चलो आज हम लोग सीखते हैं फोटो बैकग्राउंड को कैसे चेंज करते हैं। फोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप फोटो में जाइए। फोटो में जाने के बाद आप सबसे पहले क्या करना है आपको कि आप ओपन विथ में जाइए। ओपन विथ में जाने के बाद आप फोटोशॉप में खोल लीजिए। देखिए यहाँ पर मेरा बैकग्राउंड क्या चाहिए, यहाँ पर मेरा ब्लू बैकग्राउंड है। अगर आपको दूसरा कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप सबसे पहले ये आपका जो है इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ये टूल बॉक्स है, ये आपका मैजिक वन टूल है। इसको सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद आप फोटो में आप टच कीजिए तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो आपका साइड में बैकग्राउंड है वो साइड में बैकग्राउंड आपका फुल्ली तरीके से वो कवर हो गया है। दूसरा भी मैं बताऊंगा आपको, अगर वो फोटो आपका एडिट किया हुआ नहीं है तब यहाँ पर जो आपका है वो मेरा आ गया सबसे। अब उसके बाद क्या कीजिए, आप यहाँ पर जाके कलर चेंज कर लीजिए। आपको कैसा कलर चाहिए, चलिए मान लेते हैं कि व्हाइट कलर चाहिए। व्हाइट कलर बेसिकली रहता है तो चलिए व्हाइट कलर ही हम रखते हैं। अब व्हाइट कलर मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। उसके बाद आप ये वाला में चाहिए बॉक्स, ये आपका कलरफुल बॉक्स है, ये आपका पेंट बकेट बॉक्स बकेट टूल है। इसमें आप सेलेक्ट कीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पर आ करके आप कुछ नहीं करना, आपको बस एक सिंपल सा क्लिक कर दीजिए, ये आपका व्हाइट बैकग्राउंड हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसको दूसरा भी कलर रखना है तो आप कुछ मत कीजिए, सिंपल सा जाइए यहाँ पर, और कोई दूसरा कलर रखना है तो आप दूसरा कलर भी रख सकते हो। जैसे मान लेते हो ये कलर, ठीक है, ये कलर आपने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर सिंपल सा कुछ नहीं, आप पेन टूल बॉक्स में आइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पर आकर के एक सिंपल सा क्लिक कर लीजिए। लेकिन हाँ, ये आपका सेलेक्ट रहना चाहिए। तो ये आपका कलर आ गया, उसके बाद आप सेव कर लीजिए। अब चलिए दूसरा कंडीशन ये होता है, ये तो आपको हो गया सेव करने के लिए, सेव कर सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन ये होता है आपका कि हमेशा फोटो का साइज में प्रॉब्लम क्रिएट आता है। तो फोटो का साइज को हम कैसे देखेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज साइज में जाएंगे। इमेज साइज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे ये मेरा रेजोल्यूशन जो है वो 100 DPI है कि नहीं है। ये 100 DPI रहना चाहिए, ये 100 DPI रहेगा। अब आपका साइज देख लो आपका कितना है, 3.5। ये मेरा फोटो क्या किया हुआ है, वो रिसाइज किया हुआ है, इसलिए ये सब कुछ सही दिख रहा है आपको। नहीं तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, आपको कितना चाहिए, 3 चाहिए तो आप 3 रखो, यहाँ नीचे ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा। सेंटीमीटर में रखना आपको, सेंटीमीटर में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप सेव कर दो, ये फोटो छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, बस सेव कर लेना है, कंट्रोल एस कीजिए, या फिर आप क्या करते हैं यहाँ पर सेव में जाइए और सेव एज कर लीजिए। सेव एज करने के बाद आप देखोगे क्या चीज़ कि आपको JPG फॉर्मेट में जाना है। हाँ एक चीज़ और मैं आपको नोटिस बताता हूँ, अगर आप बैंक का फॉर्म भर रहे हो और अगर आपका फोटो आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपका स्पेस दिया हुआ है तो वो फोटो कभी भी अपलोड नहीं लेगा। इसलिए ये चीज़ आपको एकदम नोटिस करना है कि बैंक में फॉर्म क्यों अपलोड नहीं देता है फोटो। तो सिंपल सा आपको जो भी नाम रखना है, चलिए मैं अपना ही नाम रखता हूँ फैज, फोटो बैंक के लिए भी और सब चीज के लिए, मतलब कि स्पेस नहीं छोड़ना, अगर स्पेस छोड़ोगे तो वो फोटो अपलोड नहीं लेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, JPG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट है मेरा। अगर PDF में करना चाहोगे तो PDF में भी हो जाएगा, यहाँ पर आपका PDF भी ऑप्शन रहता है हमें, लेकिन मुझे क्या चाहिए, JPG फॉर्मेट चाहिए। तो JPG फॉर्मेट मैं ले लेता हूँ, उसके बाद मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने पे आप देखोगे क्या चीज़ कि आपका साइज बता रहा है कि आपको कितना मैक्सिमम साइज देना। तो देखो रिजोल्यूशन के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा कम कर दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये आप कम कर देते हो, उसके बाद आप इसको सेव कर दो तो ये एज इट इज़ आपका सेव हो गया। तो देखो यहाँ पर मेरा फोटो क्या चीज़ है, यहाँ पर मेरा फोटो सेव हो गया। अब इसका हम साइज देखेंगे कितना है, तो ये 27 KB है, 27 KB आप इसका साइज दिखा रहा है। अगर ऐसे आपको नहीं दिखेगा तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसके प्रॉपर्टीज में जा करके चेक कर लेना। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये देखो प्रॉपर्टीज में आपका क्या दिखा रहा है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो इसका साइज आपको बता रहा है 27.1 KB है और ये आपका JPG फॉर्मेट में है। ओके, और कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप कंसल्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।